बिहार की ओर, जहां पटना के जल प्रलय पर सीएम नीतीश कुमार की कार्रवाई शुरू हो गई है और बीयूडीसीओ मुख्य अभियंता सहित 11 इंजीनियर सस्पेंड हो गए हैं। जी, यहाँ पर बात की जाए तो कुछ दिन पहले यहाँ पे पटना में जिस तरीके का जल जमाव हुआ था, उसके बाद पूरे देश ने देखा था कि कैसे वहाँ पर हालात हो गए। और अगर जल जमाव की ही बात की जाए तो कई दिनों तक वो पानी नहीं निकल पाया था, और अब जब पानी निकल गया है उसके बाद भी वहाँ पर महामारी की जो है आशंका बनी हुई है, क्योंकि पानी जो था वो कुछ इतने दिन तक वहाँ पर था तो उसके बाद वो पानी सड़ना शुरू हो गया था और लोगों को बहुत परेशानी हुई। चार दिन की बारिश में ही पटना पूरा डूब गया था, तो उसके बाद से ही सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे थे। जितनी भी दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी लगातार नीतीश सरकार पर यहां सवाल उठा रही थी। और साथ ही बात की जाए अगर गठबंधन की, तो एनडीए अपने आप में ही कई ऐसे नेता थे जो नीतीश सरकार पर लगातार हमलावर थे, तो उसको देखते हुए यहां पर कल नीतीश कुमार ने यहां पर उनकी अध्यक्षता में, सीएम नीतीश की अध्यक्षता में यहां पर एक बैठक की गई। 4 घंटे तक ये बैठक चली और इसमें ये चर्चा की गई कि किसकी गलती से जो पटना था वो डूब गया, और साथ ही साथ ड्रेनेज सिस्टम है उस पर भी यहां पर विचार विमर्श किया गया और किस तरीके से उसे और सही बनाया जाए, किसकी गलती से ये सब हुआ है। और लगातार बात की जाए तो नगर निगम की और बुडको यानी कि बीयूडीसीओ की जो गलती है वो मानी जा रही थी लगातार, और उसके बाद नीतीश कुमार ने उन्हें ही इस पूरी जांच को करने का यहां पर दे दिया था कि किस तरीके से वही जांच करें। और यहां पर अगर बात की जाए तो कल जो बैठक हुई उसमें यहां पर जो बुडको के जो मुख्य अभियंता हैं उनके सहित ही 11 इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया गया है, और साथ ही कारण बताओ नोटिस भी इन्हें दिया गया है, और 7 दिन के अंदर ही इन पर कार्रवाई करने की भी यहां पर मांग की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से पटना डूबा उसको लेकर सरकार काफी यहां पर गंभीर नजर आई, एक के बाद एक यहां कड़े फैसले लिए गए, और साथ ही अब जो ये कार्रवाई की जा रही है तो उसमें भी उन्होंने केवल 7 दिन का उन्हें समय दिया है, कारण बताओ नोटिस भी दिया है, और कहा है कि जिनकी भी वजह से ये हुआ है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।